क्लास टेंथ साइंस आपका है और आज लेसन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 9 वंशागति के आणविक सिद्धांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के बारे में। और मेंडल ने आखिर मटर के पौधा अपना प्रयोग करने के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना, यानी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना, मटर के पौधे को क्यों चुना, आज का यही टॉपिक रहेगा। और आज हम लोग सीख भी जाएंगे, देखो एक ही पढ़ो लेकिन सीखते चलो, बस सीखो चलो। कि मेंडल ने, आपको एक बार फिर कहते हैं कि मेंडल ऑस्ट्रिया ऐसे देखना, मेंडल ऑस्ट्रिया के एक महान वैज्ञानिक थे, ठीक है। और मेंडल को हम लोग वांशिकता का जनक कहते हैं। मेंडल ने ही बताया था कि हमारा लक्षण हमारे बच्चों में जाता है। मेंडल ने कहा कि जो हमारा अनुवांशिक लक्षण होता है हमारे बच्चे में क्या होता है, जाता है। इसलिए मेंडल को हम लोग अनुवांशिकता का जनक कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अनुवांशिकता का जनक किस वैज्ञानिक को कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि अनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया और उसने प्रयोग मटर के पौधों पर किया। आखिर उसने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन है, तो आप कहेंगे कि मटर के पौधों को, पहला इसका देखो मैं बता रहा हूँ कि मटर के पौधों को कहीं भी उगाया जा सकता है आसानी से, यहाँ भी उगा सकते हैं मटर। हालांकि आप जानते होंगे कि पूरे विश्व में ईसाई लोग सबसे अधिक हैं, ऑस्ट्रिया के चर्च में वो मटर के पौधों को रख करके, मटर के पौधों को उगा करके अध्ययन कर रहे थे। इसका पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। और उसने मटर के पौधे पर आसानी से प्रयोग किया और वो कहते थे कि मटर के पौधों को आप कहीं भी उगा सकते हैं और कहीं भी उगा करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि मटर के पौधे जो होता है एक वर्षीय होता है, यानी जो मटर के पौधे होते हैं उसका जीवन चक्र भी छोटा होता है और एक ही समय में अनेक लक्षण विकसित हो जाते हैं। माना अनेक लक्षण विकसित होने का मतलब ये है कि एक बार में अनेक लक्षण विकसित हो जाएंगे तो हम लोग कह देंगे कि इसके अंदर ये लक्षण पाया जाता है। और तीसरा का ये गुण है कि जो मटर के पौधे होते हैं द्विलिंगी होते हैं, अपड़ करके आ रहे हैं, इसी को उभयलिंगी भी कहा जाता है, द्विलिंगी को ही। माने ग्रेगर जॉन मेंडल कहे थे कि जो मटर के पौधा होता है वो मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, मटर के पुष्प। तो निषेचन कराने में भी आसानी होती है, मान लो अगर एक लिंगी हो गए तो फिर उसको ले जाकर दूसरे पर निषेचन करना, तो इसके अंदर स्व परागण हो जाता है। पढ़े भी थे कि जब कोई द्विलिंगी पुष्प होता है या द्विलिंगी पौधा होता है तो उसके अंदर स्व परागण होता है। स्व का मतलब होता है अपने आप हो जाता है, अपने आप का मतलब होता है कि उसमें द्विलिंगी है, उसमें नर और मादा दोनों उपस्थित है, तो उसके अंदर स्व परागण अपने आप हो जाएगा। तो मटर के पौधे द्विलिंगी थे इसलिए उसने मटर के पौधों को क्या किया था, चुना था। और मटर के पौधों में अनेक विपरीत गुण भी दिखाई देते थे, कला पढ़े थे विपरीत गुण, कोई मटर का पौधा लंबा था तो कोई मटर का पौधा बावना था, ये विपरीत लक्षण होता है। एक लंबा तो एक विपरीत क्या होगा, बावना। तो मटर के पौधा में एक गुण पाया गया, उसने देखा कि कुछ पौधे कि जो मोटर होते हैं या जो मोटर के कुछ पौधे होते हैं मटर के, कुछ लंबे थे
कुछ छोटे थे, तो इससे संकरण कराने में भी आसानी होगी कि लंबा पौधा ले लिया, अपना पौधा ले लिया और संकरण करा कर देखा तो अपन पीढ़ी में कैसा पौधा प्राप्त हुआ, लंबा, क्योंकि लंबा प्रभावी होता है। तो मटर के पौधा में एक साथ कई तुलनात्मक लक्षण भी दिखाई दे रहे थे। और अभी आपने कहा कि सर मटर के पौधा जो होता है द्विलिंगी होता है, और जब द्विलिंगी होगा तो उसमें कौन सा परागण होगा, स्वपरागण। तो मटर के पौधा में स्वपरागण होता है यह बता सकते हैं इसमें, हालांकि मटर के पौधा में आप पर परागण भी करा सकते हैं, मतलब एक मटर का पौधा दूसरे मटर के पौधे से भी आप पराग याद है ना परागण क्रिया के इसके अंदर डाल सकते हैं, तो ये भी गुण आप उसके अंदर पाया जाता है, समझ रहे हो। और जो इससे नए मटर के पौधे बनते थे, नए मटर के पौधे जो बने उसमें देखा गया कि उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक थी। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब लोग कहते हैं ना प्रतिरोधक क्षमता, इसका मतलब होता है रोगों से लड़ने की ताकत अधिक थी। किसी को रोग हो जाता है थोड़ा बहुत, बुखार लग जाता है, खांसी हो जाती है, या फिर कोनो बीमारी पकड़ लेता है, उसके अंदर कैपेसिटी कम है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। इसी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए कोरोना का वैक्सीन लग रहा है, कोरोना का जो वैक्सीन लग रहा है प्रतिरोधक क्षमता को ही मजबूत करने के लिए लग रहा है कि हमारे अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। तो कोरोना का जब जाएगा, देखिए एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कोरोना का लहर आना चालू हो गया, कल का 50,000 फिर केस आ गया, समझ रहे हो। और अकेले खाली 35,000 तो उसमें आया केरल में खाली 35,000 आया था कल अकेले खाली वहाँ 50,000 15,000 में पूरा देश, महाराष्ट्र उसमें है लगभग 10,000 वहाँ आया था 45,000 और 5,000 में पूरा देश। तो लिखे समझ में आया ना मटर के पौधा क्यों चुना था, तो लिख लेते हैं हम लोग। देख लो मेंडल, ऑस्ट्रिया के एक महान वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे, इसने या इसे आनुवंशिकता, इसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ये अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं, मैंने क्यों किए थे इसके बारे में, इसके निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, मटर के पौधे को आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। दूसरा, मटर का पौधा वार्षिक होता है तथा एक ही समय में अनेक लक्षण को प्रदर्शित करता है, अनेक लक्षण को प्रदर्शित।
तीसरा मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं, मटर के देखो बायोलॉजी बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं आप, सर जी कहाँ इतना बता दें। मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी माने जानते हो ना, चौथा लिख लेना पाँचवा लिख लेना। मटर के पौधा में स्वपरागण पाया जाता है, मटर के पौधा में स्वपरागण पाया जाता है और मटर के पौधा में पर परागण भी किया जा सकता है। मटर के पौधा में पर परागण भी किया जा सकता है। फटाफट लिखिएगा बहुत फास्ट आप लोग। और छ नंबर बता सकते हैं कि मटर के पौधा, मटर के पौधा से प्राप्त संतति में भी विभिन्नता पाई जाती है, माने जो नए पौधे बनते हैं ना उसमें कुछ अलग गुण दिखाई देता है। तो ये आपके मटर के पौधा के अंदर गुण पाया जाता है जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए चुना था। आप देख सकते हैं बहुत प्रयोग किया उसने मटर के पौधे पर और मटर के पौधे के अंदर जो गुण पाया जाता है इसके आधार पर उसने अपना प्रयोग किया और प्रयोग करके बताया उसने क्या क्या मटर के पौधे के अंदर गुण लिया। बता सकते हैं, याद हो गया प्रिंस, नोट किया, लिख लेना, जो लिख रहा है लिख लो।